नमस्कार। तो आज आप हम राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की बात की जाए तो स्टॉक एक रिकवरी मोड में नजर आ रहा है। आज फिर से 2% की रिकवरी हो रही है क्योंकि इलेक्शन नतीजे जो आए थे उस दिन स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि जो गिरावट हो चुकी थी वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि आप लोग नज़र डालोगे तो 13-14% की गिरावट थी। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ने रिकवरी स्टार्ट किए, यहाँ पे 4% की, फिर 3% की और आज 2% की रिकवरी देखने को मिली। 10% की रिकवरी पिछले 3 दिनों में देखने को मिले। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम जो है थोड़े से कम होने लगे फिर से, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर भी नज़र डालोगे तो यहाँ पे 200 डेज का मूविंग एवरेज तो अच्छा नज़र आ रहा है, पर यह ऑरेंज कलर का जो है 50 डेज का मूविंग एवरेज, उसने यहाँ पे 200 डेज के मूविंग एवरेज पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से एक पुल बैक नज़र यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 100 डेज का मूविंग एवरेज है वो थोड़ा सा गोइंग डाउन है, पर पॉजिटिव मूव आते यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है 50 और 100 का, तो एक अच्छा मूव और भी देखने को मिलेगा। न्यूज़ देखोगे तो कोई इम्पैक्टफुल न्यूज़ नहीं है रिगार्डिंग आरसीएफ स्टॉक।